नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा कि एक बार फिर मुझे मौका मिला क्रिकेट के मैदान पे आने का। अक्सर क्रिकेट छोड़ने के बाद मैदान के अंदर आने का मौका बहुत कम मिलता है, और आपका ये मैदान देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जब हम क्रिकेट खेला करते थे ऐसे मैदान नहीं मिला करते थे। तो ग्राउंड के सब स्टाफ को कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि इतना बेहतरीन ग्राउंड देखने को मिला। मैं करण भाई, हितेश भाई, रावत भाई, जितने भी मेंबर हैं सबकी तारीफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने टूर्नामेंट ऐसा किया जो हर एक स्टेट को करना चाहिए और करना भी होगा। अगर आपने ये शुरुआत की है तो आने वाला समय आपको देखकर और भी इस तरह के मैचेस होंगे। ज्यादा समय नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ऐसी जगह पर खड़ा रहा हूँ और भाषण सुनने का कोई शौक नहीं था, और मैं ये कहता था, खिलाड़ी ये कहते थे ये भाषण खत्म करो, ये शुरू करो। तो मैं आपकी तरफ से कि आप बहुत अच्छा किया कि आप टूर्नामेंट कर रहे हैं, इनके लिए इन्हीं में से कल निकल कर बच्चे हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। मुझे बुलाने के लिए मैं अपना तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये इज्जत ये मान दी। लेकिन उससे ज़्यादा इज्जत मान आपकी कमेटी को मिलना चाहिए कि उन्होंने मौका दिया इन बच्चों को यहाँ पर खेलने। और खिलाड़ियों के लिए इतना ही होगा, दिल तोड़ कर खेलो, ऐश करो, मजे करो, सिंसियर एफर्ट, डिसिप्लिन, और कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपके ऊपर, आपकी स्टेट के ऊपर, आपके देश के ऊपर कोई भी आंच आ सके। उसको मद्देनजर रखते हुए एंजॉय योरसेल्फ, प्ले द बेस्ट क्रिकेट, लेट द बेस्ट टीम विन, एंड आई होप द पीपल ऑफ सूरत शुड कम एंड वॉच द मैचेस। ज्यादा नंबर्स में लोग आएंगे तो खेलने वाले को बड़ा मजा आता है। तो मेरों की तरफ से यही कहूंगा कि बहुत लोग आएंगे तो इनको बहुत खेलने का जज्बा, खेलने का मजा आएगा। एक बार फिर मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे बुलाया, अच्छा लगा, थोड़ी सी पुरानी यादें भी याद आई। देखिए वो बचपन के दिन थे, चले गए, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। गुड लक टू एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। Only one thing, don't think they will play one day matches here, they will play IPL here. You carry on doing your good work. कोई आपको रोक नहीं सकता कि यहाँ पर one day match या test match ना हो, जरूर होगा। Believe in yourself, and that's what we did all the time. Good luck everybody. Especially to the sponsor, all the sponsor. Without sponsor, nothing is possible. For you player to understand, to respect all the sponsor, they have taken so much effort. इतनी मेहनत की है, पैसे की जरूरत होती है, और sponsor के बिना तो हमारी flight की ticket भी नहीं आती। इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन sponsor को, इन्होंने game को जिंदा रखा है। अगर स्पॉन्सर नहीं होंगे तो खेल शायद इतना ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद टू द स्पॉन्सर तेरों की तरफ से कि आपके ऐसे टूर्नामेंट किया। फिर एक बार हाथ जोड़कर आपको सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। अब आपके हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन होना है फायरवर्क्स से सर। तो मैं नहीं कहूंगा कि भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवता है, लेकिन क्रिकेट का देव है निर्भय। साल दर्जी सपनी में नूरी
ए गीतू भाई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में। ए गीतू भाई, ए गीतू भाई, हम पड़े के नहीं तुमने भाई, तुम्हें हमने को दे रखा थे। काउंट डाउन करूंगा, कपिल देव जी इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे 4, 3, 2, 1 एंड गो। तैयार हो आप? 4, 3, 2, 1 गो। तो मैं अभी नेशनल एंथम के लिए तो आज का मैच जो है वो डुमस इलेवन और सूरत टाइगर्स की टीमों के बीच में है, और डुमस इलेवन के कप्तान इस सत्र के सफलतम रणजी प्लेयर भार्गव मेहराय को मैं बुलाऊंगा मंच पर, और सूरत टाइगर्स के कप्तान स्मिथ पटेल को बुलाऊंगा मंच पर। और तो टॉस होगा, डेली वाइड नक्का तो कोई जाना पर आड़ो पूछे मैडम इनसे। तो डुमस क्रिकेट क्लब की तरफ से भार्गव के टॉस सीधा है एंड ही हैज इलेक्टेड टू बैट विद इन 15 मिनट्स विल बी स्टार्टिंग द मैच। और अब इस प्रोग्राम के आभार विधि के लिए मैं नरेंद्र गांधी जी को विनती करता हूं कि आभार विधि करेंगे, इसके बाद नेशनल एंथम होगा और उसके बाद ऑनरेबल गेस्ट कपिल देव जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस ऑफ द डायस क्रिकेट लवर्स, I happily thank for getting an opportunity to express my feelings at opening ceremony of T20 cricket tournament. The main attraction of the event is legendary Sri Kapil Dev Ji, who has kindly considered to be the chief guest. How can we forget the wonderful contributions of Kapil Dev Ji? It was because of his praiseworthy and wonderful performance as a batsman and a bowler in 1993. India could capture the championship for the time. I thank you to all the teams, honors and sports lovers, and present all the cricket lovers. थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं विनती करता हूँ हर एक कैप्टन को और ओनर को, नो बड़ी ऑन स्टेज, ओनली कैप्टन एंड ओनर्स फॉर द फोटो मोमेंट। ओनर्स एंड कैप्टन टू फ्रॉम ईच टीम विद कपिल देव जी, ऑल ओनर्स एंड ऑल कैप्टन्स वन फोटो मोमेंट। अरे साहब 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 सब सब ऑल कैप्टन्स एंड ऑल ओनर्स कपिल जी के साथ एक फोटो और है, और इसके अरे यार બોમ લઈને આગળ આવી જાજો ભાઈ, એટલા હોય ચાલ ભાઈ ભાઈ તું ભાઈ તમારું હા તો નથી આવી कपिल देव जी को सूरत के संस्कार का पता चलना चाहिए, ना कि इस तरह से भीड़ करके।
चलो डाय।